हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रीनाथ और आप देख रहे हैं बुक बास्केट। मैं एक आपके लिए नया ऑडियो बुक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आत्मा अनुशासन की शक्ति। उसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय एक से शुरू करते हैं। अपने आदर्श जीवन का वर्णन करें। यदि आपका व्यवसाय, कामकाज और करियर हर दृष्टि से आदर्श हो तो वे कैसे दिखेंगे? आप क्या कर रहे होंगे? आप किस प्रकार की कंपनी में काम कर रहे होंगे? आप किस पद पर होंगे? आप कितना पैसा कमा रहे होंगे? आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे? और विशेष रूप से आपको आदर्श करियर बनाने के लिए अपने कौन से काम कम ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी? यदि आपका पारिवारिक जीवन हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा देखेगा? आप कहाँ रहे होंगे और कैसे रहे होंगे? आपकी जीवन शैली कैसी होंगी? आप अपने परिवार के सदस्य के साथ कौन कौन सी चीज़ें करना और पाना चाहेंगे? यदि कोई बंदिश न हो और आप जादू की छड़ी लहरा सके तो आप आज अपने पारिवारिक जीवन को किस प्रकार बदलना चाहेंगे? यदि आपका स्वास्थ्य हर दृष्टि से आदर्श हो तो यह कैसा होगा? आप कैसे महसूस करेंगे? आपका वजन कितना होगा? आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का स्तर आज से कितना अलग होगा? सबसे बड़ी बात, आप स्वस्थ और ऊर्जा के अपने आदर्श पर स्तर की ओर बढ़ने के लिए कौन से कदम तत्काल उठा सकते हैं? यदि आपकी आर्थिक स्थिति आदर्श हो तो आपके बैंक खाते में कितना पैसा होगा? आपको अपने निवेश से हर माह और हर वर्ष कितना कमा रहे होंगे? यदि आपके पास इतना पर्याप्त पैसा हो कि आपको दोबारा कभी पैसा की चिंता करनी पड़े तो वह कितना होगा? आप अपने आर्थिक जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन से कदम आज ही उठा सकते हैं? अपनी परिभाषा के अनुरूप कार्य करें। सफलता की एक लोकप्रिय परिभाषा है अपने मनचाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता। अपने चुने हुए लोगों के साथ और अपनी मनचाही परिस्थिति में केवल वही चीज करना जिन्हें आप करना चाहते हैं। जब आप हर क्षेत्र में सफलता की अपनी परिभाषा तय कर लेते हैं तो आपको तत्काल दिख जाएगा कि आपको अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा करनी चाहिए। आमतौर पर आपको अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी प्रिय बहाने और आत्मा अनुशासन का अभाव। ऐसा नहीं है कि आपको यह पता नहीं कि आपको क्या करना है, आपको यह अच्छी तरह पता है, लेकिन आपको जो करना चाहिए चाहे उसे करने का आपका मन हो या ना हो, वह आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है। शीर्ष 20% लोगों के समूह में शामिल हो। हमारे समाज में शीर्ष 20% लोग 80% धन कमाते हैं और 80% दौलत और पुरस्कार का आनंद लेते हैं। यह पेरेटो सिद्धांत 1895 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने पहली बार बताया था और तब से अब तक यह बार बार सही साबित हो चुका है। करियर में आपका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में शीर्षस्थ 20% लोगों के समूह में पहुंच जाए। 21वीं सदी में ज्ञान और योग्यता बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जितना ज़्यादा योग्य बनते हैं उतने ही अधिक सक्षम और मूल्यवान होते हैं। जैसे जैसे आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं आपकी आमदनी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग
यानी नीचे के 80% लोग अपनी योग्यताएं बढ़ाने की बहुत कम प्रयास करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जॉफरी कॉलविन की 2009 की प्रकाशित पुस्तक टैलेंट इज ओवररेटेड के अनुसार अधिकांश लोग नौकरी से पहले साल में अपना काम सीखते हैं और इसके बाद वे कुछ भी नहीं करते। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग ही निरंतर बेहतर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। ज्ञान, योग्यता और कड़ी मेहनत पर आधारित उत्पादक क्षमता में असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका में 33% आर्थिक संसाधन शीर्षस्थ 1% लोगों के नियंत्रण में है। शून्य से शुरू करें। रोचक बात यह है कि जीवन में हर व्यक्ति की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है। वह बहुत कम या कुछ नहीं से शुरू करता है। अमेरिका और पूरे संसार के लगभग सभी अमीर लोग अपने दम पर अमीर बने हैं। इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों ने शून्य या बहुत थोड़े से अपना करियर शुरू किया और अपनी सारी धन दौलत खुद कमाई। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग पहली पीढ़ी के अरबपति हैं, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लैरी एलिसन, माइकल डेल और पॉल एलन। 80% लखपतियों और करोड़पतियों ने बहुत कम पैसे से अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में वे अक्सर कड़के रहे और कई बार तो कर्ज में गले तक डूबे रहे। इन लोगों की जैसे सैम वॉल्टन की शुरुआत स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिनकी मृत्यु के समय उनके पास 100 अरब डॉलर से ज़्यादा संपत्ति थी। इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्राप्त कैसे कर लिया, जबकि बहुसंख्यक लोग इससे बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं। अपनी पुस्तक द मिलीनियर नेक्स्ट डोर में थॉमस स्टेनले और विलियम डेक्सनो ने 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए और 25 साल से अधिक समय तक 11,000 लोगों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की कर लिए, जबकि उनके जैसी ही परिस्थितियां में रहने वाले अधिकांश लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं। करोड़पतियों की इस नई पीढ़ी के 85% लोगों का जवाब था, मेरे पास दूसरों से बेहतर शिक्षा या ज़्यादा बुद्धि तो नहीं थी, लेकिन मुझ में बाकी लोगों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की इच्छा थी। कड़ी मेहनत ही कुंजी है। कड़ी मेहनत के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य है। सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप शॉर्टकट और आसान रास्ता चुनने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से उबर जाए। स्थायी सफलता सिर्फ तभी संभव है जब आप लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अनुशासित कर लें। जैसे मैंने प्रस्तावना में बताया था, जीवन की शुरुआत में मैं बिल्कुल कंगाल था। वर्षों तक तो मैं मजदूरी करता रहा, जिसमें मुझे बस महीना गुजारने लायक पैसा मिलते थे। जब मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स के क्षेत्र में आ गया, जहां मैं कई महीनों तक असफलता से जूते घिसता रहा, जब तक कि मैंने खुद से यह सवाल नहीं पूछा। बिक्री के क्षेत्र में मैं कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। एक दिन एक सफल सेल्समैन ने मुझे बताया कि शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल 80% पैसे कमाते हैं। यह बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसका मतलब था कि नीचे के 80% सेल्स पीपल को बचे हुए 20% पैसे में ही संतोष करना पड़ता था। यह सुनने के बाद मैंने तुरंत यह निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल के समूह में शामिल होकर रहूँगा। इस निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया। महान नियम। फिर मैंने ब्रह्मांड का फौलादी नियम सीखा, जिसकी बदौलत मैं शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल के समूह में पहुंच गया। यह फौलादी नियम था,
कारण और परिणाम का नियम, यह बोने और काटने का नियम, यह नियम कहता है कि हर महीने के पीछे एक या कई निश्चित कारण होते हैं। यह नियम कहता है कि यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। फिर आपको उन योग्यताओं और गतिविधियों का बार बार तक अभ्यास करना चाहिए, जब तक कि आपको भी वही परिणाम न मिलने लगे। एक और नियम पर गौर करें, यदि आप भी वही करते हैं जो अन्य सफल लोग बार बार करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको अंततः उनके समान पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। दूसरी ओर, यदि आप सफल लोगों का अनुसरण नहीं करते, तो कोई भी चीज़ आपकी सहायता नहीं कर सकती। बोने और काटने का नियम ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है। यह कारण और परिणाम के नियम का ही रूपांतर है। इसके अनुसार इंसान जो बोता है वही काटता है। आप जो भी चीज़ अंदर डालते हैं वही आपको बाहर निकालती है। आप आज जो फसल काट रहे हैं वह आपके द्वारा अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। अगर आप अपनी वर्तमान फसल से खुश नहीं है, तो आज ही से नई फसल बोना शुरू करें। सफलता के और जाने वाले कामों की संख्या बढ़ा ले और निरर्थक कामों को छोड़ दे। सफलता के निश्चित नियम होते हैं। सफलता संयोग से नहीं मिलती, दुर्भाग्य से असफलता भी संयोगवश नहीं मिलती। आप सफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम तब तक बार बार करते रहते हैं जब तक कि आपको इसकी आदत नहीं पड़ जाती। इस तरह आप असफल तब होते हैं जब आप सफल लोगों जैसे काम नहीं करते। दोनों ही प्रकरणों में प्रकृति तटस्थ है। प्रकृति न पक्षपात करती है न परवाह करती है। आपके साथ जो होता है वह सिर्फ नियम का फल है, कारण और परिणाम के नियम का। आप खुद को स्वचालित प्रोग्राम वाले मशीन के रूप में भी देख सकते हैं। आपकी स्वचालित प्रोग्राम है त्वरित लाभ का घटक और न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग का प्रलंब आकर्षण, जिनका वर्णन मैंने प्रस्तावना में किया है। आत्मानुशासन न होने पर आपका स्वचालित प्रोग्राम अपने आप चालू हो जाता है। यही कम उपलब्धियों और सच्ची संभावनाओं तक पहुंच पाने का प्रमुख कारण है। अगर आप सफलता के लिए आवश्यक चीज़ें करने, बनने और पाने के लिए सोच समझ कर चैतन्य होकर लगातार काम करने नहीं करेंगे, तो आपका स्वचालित प्रोग्राम सक्रिय हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि आप आपातकालीन दृष्टिकोण से आनंददायक, आसान और महत्वहीन काम कार्य करेंगे, जिनसे आगे चलकर कुंठा, आर्थिक चिंताएं और असफलता मिलना तय है। सफलता के रहस्य। दिग्गज तेल व्यवसायी एचएल हंट कभी संसार के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति थे। एक बार एक टेलीविजन पत्रकार ने उनसे उनकी सफलता के रहस्य पूछे। उन्होंने जवाब दिया, सफलता के लिए केवल तीन चीज़ें जरूरी है। सबसे पहले तो यह तय करें कि आप जीवन में सचमुच क्या चाहते हैं। दूसरा, यह तय करें कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उस कीमत को चुकाने का संकल्प करें। आप सचमुच क्या चाहते हैं? यह तय करने के बाद प्रबल इच्छा होना भी सफलता की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सफल लोगों में कीमत चुकाने की इच्छा होती है, चाहे यह जो भी हो और चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। वे यह कीमत तब तक चुकाते रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके मनचाहे परिणाम नहीं मिल जाते।
हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति स्वस्थ खुश चरहरा और अमीर बनना चाहता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हो सकता है कि कभी कभार उनके मन में आंशिक कीमत चुकाने की इच्छा रहती हो, लेकिन वे पूरी कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे हमेशा थोड़ा सा बच कर रख लेते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या तर्क होता है जिससे वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं कि उनमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने का अनुशासन क्यों नहीं है। कीमत चुकाए। अब सवाल यह उठता है कि यह पता कैसे चलेगा कि अपने सफलता की पूरी कीमत चुका दी है। जवाब बहुत सरल है। आपने चारों ओर देखे, आपको अपने सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अपनी वर्तमान जीवन शैली और बैंक खाते की स्थिति देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुका दी है। अनुरूपता के नियम के अनुसार आपका बाहरी संसार दर्पण की तरह आपके स्वरूप और आपके द्वारा भीतर चुकाई गई कीमत का प्रतिबिंब हमेशा दिखाएगा। सफलता की कीमत के बारे में यह रोचक बात भी ध्यान रखें, यह हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपकी सफलता की परिभाषा चाहे जो हो, यह किसी रेस्टोरेंट की तरह नहीं होती जहां आप खाने का आनंद लेने के बाद कीमत चुकाते हैं। इसके बजाय यह तो एक कैफेटोरियो जैसा होती है जहां आप अपनी मनचाही चीज चुन तो सकते हैं, लेकिन उसका आनंद लेने से पहले आपको भुगतान करना होता है। प्रेरक वक्ता जिंगलर कहते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली है। विशेषज्ञ से सीखे। कॉम्प मेयर, जिनका जिक्र मैंने प्रस्तावना में किया था, ने मुझे यह भी बताया कि आत्मानुशासन के बाद सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपको विशेषज्ञ से सीखना चाहिए। आप इतना लंबा जीवन नहीं जी सकते कि सब कुछ खुद सीख ले। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहला काम तो यह है कि अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी चीजों को सीख ले। विशेषज्ञ से सीखे, उनके पुस्तक पढ़े, उनके ऑडियो प्रोग्राम्स सुने, उनके सेमिनार्स में जाए, उन्हें पत्र लिखकर या उनसे सीधे संपर्क करके सलाह मांगे। कई बार तो अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आपको केवल एक विचार की ही जरूरत होती है। अपनी बात का अर्थ समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छे दंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। मुझे बाद में पता चला कि वह बहुत ही प्रतिष्ठित है। उसे दंत चिकित्सकों का दंत चिकित्सक कहा जाता था, यानी जब दूसरे दंत चिकित्सकों को दांत संबंधी समस्या आती थी तो वे उसके पास जाते थे। उस दंत चिकित्सक ने मुझे बताया कि वह हर प्रमुख दंत चिकित्सा सम्मेलन में हिस्सा लेता है। वह प्रत्येक सत्र में बैठकर पूरे देश और संसार से आए दंत चिकित्सकों की बातें गौर से सुनता है। इस तरह उसे दंत चिकित्सा की प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम प्रयोगों और खोजों की पूरी जानकारी मिल जाती है। एक बार की बात है, हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय दंत चिकित्सक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में जाने के लिए उस दंत चिकित्सक ने अपने एक सप्ताह की प्रैक्टिस छोड़ी और समय धन दोनों ही निवेश किया। उसे इस निवेश का फल भी मिला। सम्मेलन में एक जापानी दंत चिकित्सक ने कॉस्मेटिक सर्जरी की अपनी इजाद की हुई एक नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया। इससे दांतों का हुलिया बहुत अच्छा रहता है।
और लोग हमेशा आकर्षक या सुंदर दिख सकते थे। सैन डिएगो लौटने पर वह दंत चिकित्सक तत्काल अपने क्लिनिक में उस नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। जल्द ही इस क्षेत्र में उसे महारत हासिल हो गई और पूरे देश में उसका नाम हो गया। कुछ ही वर्षों में अमेरिका भर के लोग उपचार करवाने के लिए उसके पास आने लगे। क्योंकि उसके पास एक दुर्लभ विशेषज्ञता थी, इसलिए वह अपनी फीस बार बार बढ़ा सकता था। अंततः 55 वर्ष की उम्र तक उसने रिटायर होने लायक पैसा जोड़ लिया। अब वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र था और अपना बाकी जीवन परिवार के साथ यात्रा करते हुए अपने सपनों को पूरा करते हुए गुजार सकता था। इस कहानी का सबक यह है कि विशेषज्ञों से सीखने बड़े फायदे का सौदा है। उस दंत चिकित्सक ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से लगातार नए विचार ग्रहण किए और उनसे सलाह ली। इस कारण उसे एक नया प्रौद्योगिक की जानकारी मिली जिसने उसे शिखर पर पहुंचा दिया। अगर उसे नई प्रौद्योगिक की जानकारी नहीं मिलती तो उतना पैसा जोड़ने के लिए उसे 10 साल ज़्यादा काम करना पड़ता। यह आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने हुनर के आजीवन विद्यार्थी बनेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से निरंतर चुस्त रहे। सफलता प्राप्त करना शारीरिक फिटनेस प्राप्त करने की तरह है। यह नहाने, दांत साफ करने और खाने जैसा है। यह एक ऐसी चीज है जो आपको जो आपको निरंतर हर दिन करनी होती है। एक बार शुरू करने के बाद आप तब तक कभी नहीं रुकते हैं जब तक कि आपका जीवन या करियर समाप्त न हो जाए और आप वांछित सफलता प्राप्त न कर ले। कुछ समय पहले सिएटल में एक सेमिनार किया। ब्रेक के ठीक पहले मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत सफलता पर मेरे ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद कर सुने। ब्रेक में कुछ लोग मुझसे सेमिनार में बताए बातों के बारे में सवाल पूछने लगे। एक सेल्समैन बाकी लोगों को धकेलते हुए आगे आया और बोला, लोगों को अपने ऑडियो प्रोग्राम खरीदने की सलाह देते समय आपको उन्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? वह आगे बोला, आप अपने प्रोग्राम्स के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताते। आपको लोगों को बताने चाहिए कि उनसे केवल उस समय तक ही लाभ होता है, उसके बाद उसने कोई लाभ नहीं होता। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, देखिए, मैं 5 साल पहले आपके सेमिनार में आया था। मुझे आपकी बातें अच्छी लगी। मैंने आपके सभी ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद लिए और उन्हें सुनने लगा। मैं हर दिन बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ने लगा और आपने सही कहा था, अगले 3 वर्ष में मेरी आमदनी 3 गुनी हो गई और मैं अपनी कंपनी का शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। लेकिन इसके बाद मेरी आमदनी स्थिर हो गई और पिछले 2 सालों में जरा भी नहीं बढ़ी। तथ्य यह है कि आपकी सामग्री एक निश्चित अवधि या सीमा के बाद काम नहीं करती है। फिर मैंने उससे पूछा, 2 साल पहले आपका साथ क्या हुआ था? यानी जब आपकी आमदनी स्थिर हो गई और बढ़ना बंद हो गई, उसके पहले क्या हुआ था? उसने अपनी स्मृति पर जोर डाला और कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, देखिए, मैं इतना ज़्यादा सामान बेच रहा था कि दूसरी कंपनी ने मुझे आकर्षक प्रस्ताव देकर अपने यहाँ बुला लिया। जब से मैं नई कंपनी में गया हूँ, तब से मेरी आमदनी स्थिर हो गई है। मैंने उससे पूछा, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाने के बाद क्या आप में कोई अंतर आया है? वह जवाब देने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। आखिरकार वह बोला, हे भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। नई कंपनी में जाने के बाद
मैंने बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दी, ऑडियो प्रोग्राम सुनना छोड़ दी, सेमिनार्स में जाना छोड़ दिया, मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया। वह अपना सिर हिलाते हुए दूर चला गया और धीरे धीरे बुदबुदाता रहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने और अपनी योग्यताएं लगातार बढ़ाने के बारे में अध्याय 5 में ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में यह शरीर के फिटनेस बनाए रखने जैसा है। अगर आप लंबे समय तक व्यायाम नहीं करते हैं तो आपकी फिटनेस कायम नहीं रह सकती, उसमें कमी आने लगती है, आपका शरीर और मांसपेशियां नरम और कमजोर हो जाती है, आपकी शक्ति, लचीलापन और स्टैमिना कम हो जाता है। इन्हें कायम रखने के लिए आपको हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने अपने शरीर पर काम करना होता है। वह सब बने जो आप बन सकते हैं। आत्मा अनुशासन अभ्यास करने का एक ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण भी है। यह आपको उन बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है जो आपके लिए संभव है। आत्मा अनुशासन से आप चरित्र बदल सकते हैं। इसकी बदौलत आप ज़्यादा शक्तिशाली और अच्छे बन सकते हैं। अनुशासन का आपके मन और भावनाओं पर प्रबल प्रभाव पड़ता है, जिसके आपका व्यक्तित्व अनुशासनहीन राह पर चलने की तुलना में भिन्न और बेहतर बनता है। कल्पना करें कि आप रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में हैं। आप एक पेंट्री प्लेट के द्रव रसायन मिलाकर बंसन बर्नर पर रख देते हैं। बंसन बर्नर रसायनों को इतना गर्म कर देता है कि वे ठोस कणों में बदल जाते हैं। गहन गर्मी से जब वे ठोस हो जाते हैं तो इसके बाद उन्हें दोबारा द्रव रूप में नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, ये समरी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताओ। इस वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे आने वाली ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे।